अगस्त का महीना घरेलू बाजार के लिए रौनक भरा साबित हो रहा है। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ, तो दिन भर क्या रहा सेंसेक्स और निफ्टी का हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। वैश्विक बाजार में तेजी के चलते आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। आज बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई, जिसमें सेंसेक्स 179 अंक ऊपर यानी 39,293 के स्तर पर खुला। वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 53 अंकों की बढ़त के साथ 11,613 के स्तर पर खुला। बाजार की ये तेजी दिन भर बरकरार रही और बाजार हरे निशान पर ही बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 354 अंक ऊपर 39,467 के स्तर पर बंद हुआ, तो वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 88 अंकों की बढ़त के साथ 11,647 के स्तर पर बंद हुआ। साथ ही आज के दिग्गज शेयरों की बात करें तो इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एयरटेल के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं हीरो, मोटोकॉर्प, डॉक्टर रेड्डी, एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। आज के सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें तो आज मेटल, FMCG और ऑटो सेक्टर्स हरे निशान पर बंद हुए। टीवी लाइव की रिपोर्ट।